नमस्कार श्रद्धालुओं, स्वागत है आपका हमारे चैनल लॉयन द स्पिरिचुअल सीक्रेट में। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि हिंदू धर्म और संस्कृति के प्रचार प्रसार करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हिंदू धर्म का सही ज्ञान प्राप्त हो और आपको पुण्य प्राप्त हो। मैं साध्वी करुणा आज आपके सामने एक प्रश्न का उत्तर लेके आई हूँ। मैं आपको बताने वाली हूँ एक गुरु के बाद दूसरा गुरु धारण करने से क्या होता है, इसके बारे में। एक श्रद्धालु का प्रश्न था कि अगर किसी व्यक्ति का पहले से ही कोई गुरु है तो फिर से वह व्यक्ति दूसरा गुरु बना सकता है क्या, और अगर ऐसा हो सकता है तो इसमें किसी प्रकार की परेशानी तो नहीं है। और एक यह प्रश्न भी पूछा गया था कि अगर हमारे गुरु का देहांत हो गया है तो क्या हम दूसरा गुरु धारण कर सकते हैं। गुरु के बिना कुछ संभव नहीं है, गुरु का होना बहुत आवश्यक है। और अगर आप आध्यात्म मार्ग पर हो तो उसमें तो आपको हर कदम पर गुरु की आवश्यकता होती है। अब बात आती है कि क्या एक व्यक्ति दो से ज़्यादा गुरु धारण कर सकता है। तो जिस गुरु से दीक्षा ली है वह केवल एक ही होते हैं। अगर गुरु का हाथ आपके सिर पर है तो आप गुरुमुख कहलाते हैं, गुरु आपके वही कहे जाएंगे और उन्हीं के नाम से आप पूजा करते हैं, साधना करते हैं। जब आप किसी देवता की पूजा करते हैं तो वह पूजा गुरु की आज्ञा और उनके नाम को आगे रखकर होती है, जिससे गुरु आपकी हर प्रकार से सहायता करते हैं। अब बात आती है दो या चार गुरु या अधिक गुरु की, तो वे प्रेम गुरु हो सकते हैं। प्रेम गुरु वे होते हैं जिनसे हमने अपने सर पर हाथ नहीं रखवाया, दीक्षा नहीं ली। जो स्कूल के शिक्षक होते हैं वे हमारे प्रेम गुरु के दायरे में आएंगे और हमें ज्ञान देते हैं। तो कई गुरु ऐसे होते हैं जो आपको ज्ञान देते हैं। उनको गुरु की उपाधि इसलिए प्राप्त होती है क्योंकि वे गुरु के तुल्य ही माने जाते हैं। जैसे वे आपको कोई मंत्र बताते हैं, आपको साधनाएं बताते हैं, देवताओं के रहस्य बताते हैं, अपने अनुभव बताते हैं। और प्रेम गुरु किसी भी व्यक्ति के कितने भी हो सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति सीखना चाहता है तो वह चाहे कितने भी गुरु से सीख सकता है। अब अगर आपके गुरु का देहांत हो चुका है तो भी आप दूसरा गुरु नहीं धारण कर सकते। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। गुरु से बड़ा गुरु का नाम माना जाता है, तो आपको गुरु के नाम से ही कार्य करना चाहिए, लेकिन कोई अन्य गुरु धारण नहीं करना चाहिए। आपको अपने गुरु का स्मरण करते हुए कार्य करना चाहिए। आपको साधना का फल भी उनके नाम से मिलेगा और इष्ट भी आपके उनके नाम से ही वचन देंगे, और गुरु का नाम लेने से देवता भी प्रसन्न होते हैं। कई बार कई लोगों ने ऐसा भी प्रश्न किया है कि अगर हमारी गुरु से बिगड़ गई है या गुरु हमसे रूठ गए हैं तो हम क्या करें, क्या दूसरा गुरु बना लें। पहली बात तो आप गुरु सोच समझ कर धारण करें। गलत गुरु धारण करने पर आपकी मुसीबतें बढ़ सकती हैं। फिर लोग बोलते हैं पहले सवारी आती थी, अब नहीं आती, सवारी बोलती नहीं है, पहले बोलती थी, और पूरा शक गुरु की तरफ जाता है कि उन्होंने कहीं सवारी या शक्ति उतार तो नहीं ली। तो ऐसी स्थिति में आप पहली बात तो सोच समझ कर ही गुरु धारण करें। और आपके अगर गुरु अच्छे हैं और आपसे उनकी बिगड़ गई है, लेकिन उनके पास शक्तियां हैं और वे काफ़ी अच्छी शक्तियां हैं, तो गुरु आपके सिर पर अपना हाथ और शक्तियां उतार सकते हैं और आपको खाली छोड़ सकते हैं। यहां आपको परेशानी हो जाती है। अगर ऐसा हुआ है कि उनसे बिगड़ने के बाद आप उनसे नहीं मिले तो कोई परेशानी नहीं है। उस समय आप अपने गुरु के नाम के द्वारा कार्य कर सकते हैं, गुरु को साक्षी मानकर और पूजा शुरू कर सकते हैं।
लालची होना, लोभी होना तो इंसान की फितरत है। तो आप चिंता ना करें, गुरु के नाम से कार्य करें। आपको ये नहीं देखना होता कि गुरु आपका कैसा दिखता है, गाली देता है, उसका शरीर कैसा है। इन सब बातों का कोई मतलब नहीं होता। अगर आपके पास या आपके गुरु के पास में ईश्वरीय तत्व है, देवता की कृपा है, तो आप उनके नाम से कार्य करें। गुरु परमात्मा का स्वरूप होता है, तो आप उनके नाम को आगे रखकर कार्य कर सकते हैं, आगे चल सकते हैं, आपको फायदा होगा, आपके ऊपर भगवान की कृपा होगी। अगर आपकी और आपके गुरु की नहीं बन रही है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको दूसरा गुरु नहीं धारण करना है। तो और दूसरी बात यह है कि आपको अपने गुरु के बारे में कुछ गलत नहीं बोलना है। मान लीजिए गुरु पूर्णिमा पर आपको गुरु का पूजन करना है, तो अगर आपके पास आपके गुरु की कोई तस्वीर है तो आप उसको मंदिर में लगाएं या मिट्टी के डल्ली को गुरु मानकर उसका पूजन करें। आप उनको तिलक करें, वस्त्र अर्पण करें, दक्षिणा अर्पण करें और बाद में उन सभी चीज़ों को मंदिर में जाकर दान कर दें, तो आपको वही फल प्राप्त होगा जो आपके आपके गुरु के साथ होने पर मिलता। इसलिए गुरु के नाम से कार्य करें। एक गुरु होने पर दूसरा गुरु धारण करने की ना सोचें। अगर आपके पास गुरु मंत्र है तो आप गुरु मंत्र का जाप करें। गुरु मंत्र के चमत्कारिक प्रभाव होते हैं जो आपको देखने के लिए मिलेंगे। इससे आपकी जो भी इष्ट देव है वह भी आपसे प्रसन्न होंगे। गुरु आपकी हर प्रकार से मदद करते हैं। आप एक ही गुरु धारण करें, प्रेम गुरु आप चाहें तो एक या एक से अधिक बना सकते हैं। मुझे आशा है कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को दबाइए जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जानकारी को अपने मित्रों तक शेयर कीजिए और लाइक करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।